आ चुनाव छबड़िया। नहीं क्यों, तुम भी अटके हो कहीं? अबे पता नहीं कल से क्या हो रहा है, जिसको देखो अटके ही जा रहा है। मतलब मैं कल ट्विटर पे था तो वहां पे देखा कोई नंदी का स्टैचू था, उसमें कोई भक्त अटक गया। फिर मैंने आज खोला न्यूज देखने के लिए तो पता चला कोई रेलवे ट्रैक थी, उसमें कोई स्टूडेंट अटक गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो पता नहीं कहीं पे कोई बच्चा था जो बोरीवाल में गिर गया। बोरीवाल जो भी होता है वो, अरे वो प्रिंस वाला जो हिसाब था। मैं कहा इतना कौन गिरता है यार, कितने गिर गए हो तुम? और मतलब तीनों केसेस में निकल आए बंदे, बट फिर भी कौन गिरता है इतना? इतना तो मैंने नहीं गिराया अपने स्टैंडर्ड्स, एक्चुअली इतने तो गिर चुके हैं, इसमें छुड़पाने वाली क्या बात है। तो गिरी हुई बातें ना करते हुए गिरी हुई हरकतें करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की। क्या ये कच्चा बादाम काला चश्मा खत्म तो हो गया था, अच्छा तो चल रहा था सब कुछ। एक तो पता नहीं कौन लोग देख रहे हैं। चलो मैं इंस्टाग्राम खोलूं तो मुझे दिखता है मीम्स, है मेरे को दिख रहा है मिस्टर बीन, ये साले नाच रहे और लोग देख भी रहे, वाह जी वाह। तो चलो शुरू करते हैं, रोल द इंट्रो। बेसिकली जिनको मेरी तरह नहीं मालूम था, तो कुछ दिनों पहले एक इंस्टाग्राम ट्रेंड चालू हो गया था पाकिस्तान से, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने ये लाइन सुनी मेरे दिल से सलमान खान निकल गया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। यहाँ भी रुक जा, नहीं मेरे गम के सहारे आजा। अबे मैं लाठी पकड़ के आ जाऊं, तेरा गम क्यों लेके जाऊं मैं, कुछ भी। बट ये गाना लता मंगेशकर गाया था तो किसी सही दिमाग में बंदे ने इसको रीमिक्स कर दिया, और मेरे हिसाब से रीमिक्स भी ठीक है बट ओरिजिनल ज्यादा बेटर था क्योंकि उसमें नागिन ट्यून थी। अब ये गाना पाकिस्तान में किसी ने सुन लिया रीमिक्स ऑडिशन और अपनी फ्रेंड की शादी में नाच दिया, सब नचनिया बनने पे बैठे हुए साले। बस 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 कॉपीराइट भी नहीं लेना, पूरे गाने में यही है, यही चल रहा है। इस बंदे को देखो, इसकी भक्ति चल रही है और वो फोटो फ्रेम क्या कर रहा है वहां पे, शादी के माहौल में मैयत बना रखी है। और एक मिनट, जब ऑडियंस पीछे बैठी है तो किसके लिए नाच रही है, कैमरा के लिए? अबे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सब लोगों ने इतना ही देखा है और इतना ही है मोस्टली। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगा है, ट्वर्किंग, पाकिस्तानी ट्वर्किंग। मैंने ये देखा, मेरे अंदर से पाकिस्तानी चचा निकल के बोले, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। और ये चीज वायरल हो गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में तो फिर इंडिया में तो होनी थी, इंडिया वाले नाचना शुरू कर गए। पहले सिर्फ पाकिस्तान की आवाम सदमे में थी, अब इंडिया की आवाम भी सदमे में, अबे सब कर रहे हैं। मैं ओपनिंग देख के बता सकता हूँ ये कपड़े चेंज करने वाली है, कपड़े चेंज करेगी देख लो तुम। मैं कहा वैसे ही ठीक लग रही थी, ये क्या डायन बन के आ गई, ओ स्त्री कलाना निकल, पहली फुर्सत में निकल। और ये इकलौती नहीं है जो इतना यूनिक और क्रिएटिव आइडिया लेके आई है, वो पाकिस्तानी लड़की आयशा नाम है उस बंदी का, वो एक कपड़े में ढाई मिनट का गाना कर गई। इन्हें 15-30 सेकंड की रील बनाने के लिए कपड़े बदलने पड़ रहे हैं। ये रीलर्स की भी क्या लाइफ है ना, बैठिए सो के उठो, एक शॉट ले लो, अब नहा दो क्या, फिर दूसरा शॉट लो, अब नहा दो के सीधा ही कर लेता, बताने की जरूरत क्या कि आज मैंने ये पहना, आज मैंने चूड़ीदार पहना है तो मैं नाचूं, नाचने के लिए जो पहना तूने। गांड फटे तो फटे, नबाबी ना घटे। पहले तो ये गाना सैड सॉन्ग है, ठीक है, दूसरा इतना ऐसे कौन बुलाता बे, अबे डूब तो रही है, डूब रही है क्या तू, सीपीआर वीपीआर देने गया? अबे अमेरिका का दलाल भैंचोद, तुम्हारा दिल इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इसका दिल यहाँ पे है, जांघों के बीच में नीचे गिरता जा रहा है मेरे कंटेंट की तरह। ये वही है ना कच्चा बादाम वाली, मैं बता रहा हूँ रात के इतने अंधेरे में कोई लड़की बीच रोड पे खड़ी होके मुझे ये बोले ना आजा, मैं चप्पल उठा के भागना शुरू कर दूं। आजा, अबे ए, क्या भूत बनेगी रे तू चुड़ैल। ये सुन के ना मेरे अंदर से रात दौरे निकल रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ये पकौड़ी क्या है, बुला रही है और फिर खुद जा रही है, मैं तो डिसाइड कर लेना, मेरे को आने है तू खुद आ रही है, कुछ भी। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता ये गाना इस लड़की की वजह से वायरल हुआ है, ये गाना एक्चुअली अच्छा है, कैची है,
उस वजह से उठ तक है, क्योंकि इसके डांस में कुछ यूनिक नहीं है, पूरे गाने भर में सिर्फ एरोप्लेन उड़ाया है। ये तो शोएब अख्तर से सीख लेते हम। तू क्यों बन गया शोएब अख्तर? सिर्फ एरोप्लेन उड़ाया और बाल संभाले। ले मैं भी संभाल ले तो बन गया वायरल टिकटॉक इंस्टाग्राम रील। ये क्या होता है बे? एरोप्लेन मछली बन के दिखाना तब मानू, एरोप्लेन तो कोई भी बन जाएगा। अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ तो ये दिल को शांत करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे इसके ट्रेंड, इस ट्रेंड के बारे में दूसरे वाले ट्रेंड के बाद पता चला है। मतलब मेरे को मालूम था कि ये चल रहा है और लोग कर रहे हैं इस पर वीडियोस कर रहे हैं, बट मैं क्या छोड़ना कौन करेगा, न्यूज़ कर रहे हैं। और अभी जो सेकंड ट्रेंड चल रहा है उसका नाम है पतली कमरिया मोरी। हाय 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 हाय। अब इसमें क्या है कि वो वाला जो ट्रेंड था ना पहले वाला, वो तुम अकेले भी कर सकते थे, ट्राइपॉड लगाओ नाच लो, बट इसमें अगर तुम अकेले हो, तुम डिप्रेशन से जा रहे हो, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि जिनके पास दोस्त है वो दोस्तों के साथ कर रहे हैं और जिनके पास कोई नहीं है वो कर रहे हैं। क्या फुद्दू गिरी है ये? अबे अपने आप को किस दे के अपनी ही तारीफ कर रही है, शर्म हया है कि नहीं? कुछ है शर्म हया? तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म हया है? ये पतली कमर है, ये पतली कमर है, पतली कमर है। डाइटिंग कर तू पहले जाके पतली कमरिया। ओए होए होए क्या क्रिएटिव दिमाग पेला है। ओए होए होए आ फुद्दू गिरी है ये। इसके दोस्तों ने भी इसका साथ छोड़ दिया है। कितनी बड़ी झूठी है ये, ढिंढोरा पीट दो मामा। मतलब बंदे रो गए, ये क्या झूठ बोल दिया, अनर्थ हो गया, अनर्थ, जमीन पीटो। अब ये कच्चा मुंह काला चश्मा वाले भाई तो है ये, सेम स्टेप तो था, चार दोस्त कम पड़ गए थे तुम्हारे, मतलब एक बंदा नहीं आया तो चल यही ट्रेंड फॉलो कर लेते। अबे शर्म आया नहीं है तुम्हें? नहीं। तुम्हें लग रहा है ये ट्रेंड सिर्फ ये इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर्स ही करेंगे? नहीं 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 नहीं, पूरा गांव इन्वॉल्व कर लेंगे। और ये बंदा जो है अपना, ये तो एक स्टेप आगे ही ले गया, प्रूफ करने आया है। उसे पता था ज्ञानी रिएक्ट करेगा और क्वेश्चन कर देगा कमरिया पे। भाई ने कपड़े ही उतार लिए। मेरे को लग रहा पूरे गांव वालों ने इसको जबरदस्ती छत पर चढ़ाया होगा ताकि इसको बद्दुआएं दे सकें। पतली मालूम है, हरामी खाया कर। ये रोड पे नाचने का क्या सीन है, है? कटोरा भी रख लो फिर साथ में, करतब भी दिखा देना। पीछे गाड़ी जा रही है साले, फिर कभी एक्सीडेंट हो जाए तो बोलते अरे गाड़ी वाले का फॉल्ट है। बीच रोड पे नाचेगा तो यही होगा ना, गांव में कर लिया, रोड पे कर लिया, शोरूम। अरे धंधा उनका यार, मतलब बिजनेस है, धंधा उल्टा साउंड हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है। लड़का नाच रहा है, लड़के ही खुश हो रहे हैं। हाय हाय क्या चीज है, मैं बोल रहा हूँ कलयुग है, लड़के भी सेफ नहीं, खुश तो गड़बड़ा दया। चल झूठा, मैंने मीम पहले बजा दिया क्योंकि दिल से एक्चुअली यही आया था। अबे लड़के नाचते ना इस पे कि पतली कमरिया मोरी, मैं मान भी लेता एक पल के लिए। कैमरा घूमते ही मेरा भरोसा उठ गया इंसानियत से। व्हाइट वाले को कोई मतलब ही नहीं है। मैं कर क्या रहा हूं? अबे जो ये कर रहे कर लेना। अच्छा ये पैसे दो यार उसको, और पैसे से पहले खाना दो साले को। Why are we still here? इसको पेमेंट नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूँ, दो बार एक ही चीज कर रहा है। अबे दो कर रहे तू भी करना हरामी। अभी तुम्हें लगा होगा कि रोड पे कर लिया, रूम पे कर लिया, शोरूम के बाहर कर लिया तो खत्म हो जाएगा, गांव में भी कर लिया, पूरे गांव के साथ कर लिया। नहीं नहीं नहीं, अभी स्कूल के बच्चे तो बाकी है ना साले, पाइथागोरस थ्योरम पूछ लूंगा, वो नहीं आता इनको। अपनी कमरिया पे अभी से फोकस करके बैठी हुई हैं साले, माँ बाप देख के क्या सोचते होंगे यार, बच्ची गई है आईएएस बनेगी, ले बच्ची। जो मेन लीड है उससे ज्यादा खुश सपोर्टिंग एक्टर है। आए, 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 क्या नाच रही है। देखो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ वुमन एम्पावरमेंट और वुमन रिस्पेक्ट की, बट दीदी जो आप दिखा रहे हो ना वो कमरिया से ज्यादा कुछ और है, उसे पिछवाड़ा कहते हैं, सेंसर करना पड़ेगा यार मुझे। क्या चल रहा है ये, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। तुम लाइक तो करो यार, मेरी मौत के जनाजे पे आ जाना, फिलहाल लाइक कर दो। बाकी इसी नोट पे कहते मेरे, आई होप तुम लोग एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू चैनल, फॉलो मी इंस्टाग्राम, और मैं मिलता हूं तुमसे कब, थोड़ी देर में आ जाओ पबजी खेलते हैं ये सब।